पापा एक और बार ट्राई कीजिए ना। हाँ टिटू एक बार और बोल के देख ले। बस कीजिए ना दीदी, कमाल है आप रो ऐसे रही से सच में हमारी मम्मी है जो ये घर छोड़ के जा रही है। रिसु वो जाना चाहती उन्हें जाने दीजिए, वैसे भी ना उनका इस घर पे कोई हक नहीं है और ना हम सब पे। वो बस एक आउटसाइडर थी जो ये घर से जा रही, दैट्स इट। ओके अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट, बग्गा फैमिली इस घर से जा रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस तरह से जा रही है ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे इनके लिए एक फेयरवेल पार्टी होनी चाहिए राइट, क्योंकि जब इनके इस घर में एंट्री हुई थी तब हम सबके लाइफ से खुशियों की एग्जिट हो गई थी। अब तो आई एम श्योर कि जब इनकी यहां से एग्जिट होगी ना तब हम सबकी और इस घर की खुशियों की एंट्री वापस होगी। सो लेट्स पार्टी, गाना वाना धूम धड़ाका बल्ले बल्ले। पापा पापा जी बस बहुत हो गया, मैं कुछ बोल को नहीं रहा, इसका मतलब ये को नहीं कि मैं मर गया। अभी जिंदा है थारा दादू, शर्म को नहीं आवे थारे को, ये संस्कार मिले थारे को इस घर से। इतने दिनों तक मैं थारी बदतमीजी बर्दाश्त करता रहा, मैंने कहा कोई नहीं बच्चा है बच्चा है बच्चा है बच्चा है तो हर हाथ मार कर जाएगा, और तू अपने पापा से जिस तरह से बात कर रहा है ना ये बर्दाश्त को नहीं कर सकूं मैं। तू माने ना माने मारी बला से, लेकिन दलजीत और उसके बच्चे इस घर का हिस्सा है और रहेंगे, बात खत्म। कोई समाज कोई कानून इस बात को तोड़ को नहीं सके, जो परिवार का फैसला हो सबका फैसला, और जो इस परिवार के फैसले के खिलाफ जाएगा वो इस घर से बाहर जाएगा, फिर वो चाहे तू ही क्यों ना हो। एक बात कान खोल के सुन लो सब लोग, इस घर की दहलीज को कोई पार करके बाहर को नहीं जाएगा। ये घर है भाई, धर्मशाला को नहीं, कि जब जिसका मन किया मुंह उठा के चला आया, जब जिसका मन किया चला गया। बहू निम्नलिखित में से मारे को एक सवाल का जवाब दे, आज तक हम में से किसी ने तेरी शादी होते हुए देखे, तेरी शादी का वो कानूनी कागज देखा, उसकी कभी मांग करी ना, फिर भी थारे को वो मान वो सम्मान वो दर्जा दिया जो एक बहू को दिया जावे, क्यों? ओके बेटू जी, आज ना मैं आपको एक राजकुमार की कहानी सुनाती हूँ। ओके जी। ओके, लेकिन मम्मा एक गल पूछो। पूछो। राजकुमार का नाम क्या था? नाम है प्रिंस चार्मिंग, प्रिंस चार्मिंग था राजकुमार का नाम। तो एक दिन ना प्रिंस चार्मिंग जो है वो जंगल से अकेले ही गुजर रहा था, अचानक से ना प्रिंस चार्मिंग को एक आवाज आई कि बचाओ बचाओ। मम्मा ये कल पूछा? पूछो। कौन हेल्प मांग रहा था? हेल्प एक प्रिंसेस मांग रही थी, बहुत ही प्यारी प्रिंसेस थी, पर क्या है ना बेटू जी, एक भयानक से राक्षस ने ना प्रिंसेस को एक किले में कैद करके रखा था, इसलिए तो वो हेल्प मांग रही थी कि प्लीज मुझे बचाओ। और फिर आप जानते हो
उसकी आवाज सुनकर ना राजकुमार जो है वो प्रिंसेस की हेल्प करने पहुंच गया। मम्मा, एक कल बोला जैसे आपको शक्ति चाचू से बचाने के लिए राजीव पापा गए थे ना, है ना? वैसे ही ना? फिर क्या हुआ? फिर जो किले का पहरेदार था उसने प्रिंस चार्मिंग से पूछा, तू रखेगा क्या पापा? मान किसका? मेरी बात का। कब किया? क्या मना? किसे? आपको। किसने? मैंने। आपका मान मेरा मान है पापा। आज तक कभी कोई बात टाली है आपकी? बताइए क्या बात है? तू दलजीत सिंह ब्याह कर ले। मैं कभी आपसे दूर नहीं होऊंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। प्रिंस चार्मिंग तो बहुत ही घबरा गया। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे, क्या डिसीजन ले। तभी प्रिंस चार्मिंग ने बोला कि पापा क्या क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं और सोच समझ के कह रहा हूं, और मारे को पूरा विश्वास है कि मारा टीटू मारे को कभी भी निराश को नहीं करेगा। पापा मैं दलजीत जी से बिल्कुल प्रेम नहीं करता। नहीं, यही बात है ना। चल मारे को एक बात बता, ब्याह से पहले जानवी बहू से थारे को प्रेम था? ब्याह से पहले मारे को थारी मम्मी से प्रेम था ना? वो समय के साथ 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 रहते रहते सब कुछ ठीक हो जावे है, प्रेम भी हो जावे है, थारे को भी हो जाएगा दलजीत से। पापा मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, मेरे मन में सिर्फ जानवी के लिए प्यार है और ये प्यार सिर्फ जानवी के लिए रहेगा हमेशा। और दलजीत का कहीं ये कभी सोचा है? वो पिछले एक साल से थारे साथ थारे कमरे में सो रही है, समाज उस पर लांछन को नहीं लगाएगा? उसके चरित्र पे उंगलियां उठाने वाले इतने हाथ खड़े हो जाएंगे तू गिनते 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 थक जाएगा, और जिसका असर उन दो मासूम बच्चों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। काई कसूर है भाई, काई कसूर है दलजीत का? पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी हो रही है। लक्ष्मी यहां जाएगा, कोई देख लेगा, पता नहीं क्या। ऐसे मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई आएगा, और अगर आ भी गया तो प्यार क्या है, डरना क्या? वैसे मेरा इनाम कहाँ है? इनाम चाहिए? मिस्टर रॉय, आपको किस बात का इनाम चाहिए? शांत फरामोश, तुम्हारी दलजीत मम्मा को हमेशा के लिए तुम्हारी मम्मा बनाने के लिए इनाम तो बनता है ना? देखो त्रिश, चीटिंग नहीं चलेगी, इनाम तो मैं लेकर आऊंगा, और इनाम में मुझे किस चाहिए? कम ऑन, गिव मी अ किस। अरे लक्ष्य। नहीं नहीं, किस तो देना पड़ेगा। देखो जल्दी दे दो वरना कोई आ जाएगा। अरे पर कम ऑन। ओए! हाय। लक्ष्य जी को क्या हुआ? उन्होंने अपनी आंखें क्यों क्लोज रखी थी? अरे मेरे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मैं तो ये कह रहा था कि जब आप आंखें बंद करते हैं ना तो ऊपर से एक बहुत खूबसूरत सी परी नीचे आती है और गालों पे ना एक मीठी सी प्यारी सी किस देके जाती है।
किस? हाँ बड़ी। हाँ जिंजू, आपकी शादी ना मेरी दीदी से होने वाली है। वो तो है। और आप बड़ी उसे किस मांग लिया? अरे ट्विंकल, मेरा मतलब वो नहीं था बेटा। और तुम प्लीज यार थोड़ा धीरे बात करो, कोई सुन लेगा तो कैसा लगेगा बताओ। मैं अभी दादू को बताऊंगा। आप परी उसे किस मांग रहे हैं? पता है दादू क्या करेंगे? अरे मेरे छोटे बब्बर शेर, धीरे बात कर, कोई सुन लेगा तो अच्छा लगेगा क्या? तो गुड बॉय है ना तू? तू एक काम करना, तू लॉलीपॉप खाना। त्रिश यार इसको समझाओ, अगर इसने सच में जाके किसी को बोल दिया यार कितना एम्बैरेसिंग हो जाएगा ना। नहीं मैं अभी जाके बताऊंगा, मैं अपनी दीदी के साथ चीटिंग नहीं होने दूंगा। अरे 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 मेरा कुची ट्विंकल, तू मेरी बात सुन। मैं कह रही हूँ ना, कोई भी परी नहीं आएगी, मैं आने ही नहीं दूंगी जीजू के पास कोई परी को। तू बिल्कुल टेंशन मत ले। अरे तू चल ना, कितनी सारी तैयारियां बाकी है यार शादी की। हमारे जाने के बाद कोई परी आई तो? नहीं आएगी, नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलिए क्यों हाँ कह दी आपने शादी के लिए? हाँ जी राजीव जी, आप और मैं, हम दोनों ये अच्छे से जानते हैं कि आपको मुझसे प्यार नहीं है, फिर क्यों हाँ करती? हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो सफर है वो खत्म हो चुका है, फिर क्यों हाँ करती? समाज के डर से? आपको यही डर है ना कि समाज जो है वो मुझ पर, मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा? मैं बहुत दिनों से एक सवाल पूछना चाह रहा था, मतलब अनऑफिशियली। आप दोनों एक साल से एक साथ ही रह रहे, तो वो जो नर नारी वो कहावत है ना कि आग और घी में घी ही पिघलता है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? ओ जी सर, ये नहीं समझेंगे जी, पर मैं अच्छे से समझ गई कि आप क्या जानना चाहते हैं जी सर। राजू जी से क्यों पूछ रहे हैं आप? मुझसे पूछिए ना, शाही टाइप्स के हैं ये, शर्माते एकदम दुल्हन की तरह है जी। मैं जो हूँ मैं दूल्हे की तरह एकदम बिंदास हूँ सर। मैं बताती हूँ ना आपको डिटेल में। देखिए ये तो सजगल है कि एक ही साथ रहते हैं, कि कमरे में रहते हैं, बेड भी एक ही है, तो रात में कभी कभी क्या होता है ना सर, इनका पैर जो है मेरे ऊपर चढ़ जाता है जी, और मेरा पैर इनके ऊपर है जी। क्या कह रही हैं आप? मुझे राजीव जी तुझे शर्माओ मत। अरे सर है, सीनियर है, हमसे सवाल पूछ रहे तो जवाब तो मैं दूंगी। क्या बोल रही हैं आप, हमारे बीच में तो ट्विंकल सोता था ना। राजीव जी तुझ भी ना बहुत ही ज्यादा नॉटी हो। ट्विंकल सोता तो है, पर आपको याद है ना, आप तो उसको सुला देते थे ना स्टोरी सुना के। एक्चुअली सर जो है ना वो ये जानना चाहते हैं कि उसके बाद हमारे बीच क्या होता है, है कि नहीं सर? मैं समझाती हूँ ना आपको, आप सर हटिए, मुझे जाने दीजिए। आइए आइए। अरे, अरे सर, आपको बेडरूम स्टोरीज जाननी है ना, तो मैं आपको बताती हूँ ना सर। देखिए क्या है ना, जो मेरा बेटा सो जाता है ना सर, तब ना मैं धीरे से ना लाइट ऑफ कर देती थी। जी जी। आप रुकेंगे, फिर ना टिप टो तो करके मैं राजीव जी के एकदम करीब चली जाती थी सर। अरे मुझे याद है, मेरी मीटिंग है बहुत जरूरी। हाँ अरे सर कैसे जा सकते हो, और डिटेल्स बाकी है ना, मैं बताती हूँ ना आप। अरे सुनिए सुनिए आप आइए, मैं और डिटेल में बताती हूँ। फिर क्या होता था ना, मतलब कभी रहती थी ना सर। नहीं सुनना तो पड़ेगा आपको। नहीं मुझे नहीं सुनना, बस इतना ही जानना था ना आपको कि और बताओ, सैटिस्फाइड हो ना आप? नहीं नहीं नहीं, सैटिस्फाइड, मीटिंग थी, देर हो गया। सर सर सर, जाने से पहले एक और गल है जी, वो बैंक क्वार्टर के लिए अलॉटमेंट मांगी है जी मैंने, करेंगे ना आप अलॉट? हाँ जी सैंक्शन कर दी मैंने, कर दी सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी ओके, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, चाय पी के। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सर, मिलते हैं फिर, आती हूँ घर भाभी जी से मिलने। अरे सर
कहाँ चल दिए? हम आपके लिए जोधपुर वाली कचौरियाँ और छज्जू के समोसे लाए बजरंग बली के पास से। ये तुम ही खा लो, हटो यहाँ से। कमाल है, सर तो आए थे गुस्से में, दलजीत मैडम और राजीव सर पे भड़ाए हुए और चले गए एकदम हड़हड़ाए हुए। सब बजरंग बली की कृपा है। अब ये समोसे कौन खाएगा, हम ही खा लेंगे। बेडरूम स्टोरेज जाननी है ने? अच्छा, बत्ती बना दी आपने उनकी, मोहन कर दिया है। चाय पीजिए। थैंक यू। थैंक यू। वैसे राजीव जी, जिसे जो भाषा समझ आए उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। खैर, तो आप भी समझ गए होंगे कि ऐसे लोगों को, सिवियर लोगों को मैं हैंडल कर सकती हूँ। मुंह तोड़ जवाब भी देती हूँ उन्हें, तो यकीन हो गया ना आपको कि मैं अकेले चल सकती हूँ, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है मुझे। ये तो कमाल ही हो गया टिटू की माँ, मैंने तो अपने जीवन में पहली बार ही सुना भाई कि किसी को बैंक का क्वार्टर जो इतना जल्दी अलॉट हो गया। हमारे को तो लगा था कि कुछ दिन और साथ रहेगा अपना, पर ओ जी पापा जी, घर से जा रही हूँ, दिल से थोड़ी ना जा रही हूँ मैं। और अब ना तो रिश्ता टूट रहा है और ना ही नाता छूट रहा है जी। अब चले मैडम? हाँ जी भैया, चलते, आप सामान तो रखवाइए। अरे आप सब लोग इतने उदास क्यों हो? मतलब इतना सैड सा चेहरा लेके हमें हमें विदा करेंगे आप लोग? खुशी खुशी विदा कीजिए ना। हाँ जी जी, मैंने कहा है ना कि जब मन चाहेगा हम लोग आ जाएंगे ना यहाँ, और एक बार हमारा घर सेटअप हो जाए फिर तो आप लोग भी आ सकते हो। हाँ जी, इसीलिए तो मैं कह रहा था दलजीत जी, हम भी चलते हैं ना, हम सेट कर देंगे आपका घर, मदद कर देंगे आपकी। ओ जी राजीव जी, अब ये लड़ाई मैं खुद लड़ूंगी, कहा था ना मैंने आपसे, सो प्लीज। बेरी, तू नए घर में जा रहा है, मुझे खुशी। बिल्कुल भी नहीं हो रही, लेकिन क्या करे, तुझे जाना तो हो गई। अच्छा हाँ, ये ले, इसमें दादी के हाथ के बनाए पराठे, खा लेना। छोटा टिटू, दादू मैं तो हेल्प कर रहा हूं, अब ये नए घर में जाएगा, वहां पे घर सेटअप करेगा तो भूख तो लगेगी ना, और किचन सेटअप करने में भी टाइम लगेगा, राइट? थैंक यू ऋषभ फॉर द स्वीट जेस्चर। और तुम अपना ख्याल रख रहा हो कि अच्छे से ध्यान देना सेहत पर, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं? मैडम चलिए ना, एक और भाड़ा है, वेट कर रहा है। आ रहे भाई साहब, आ रहे। ठीक है फिर, पापा जी मामी जी। अरे पर वो हमारा मारा छोटा गणपति कट है। अरे बेटा ट्विंकल, ऐसे रोते नहीं है, मैंने कहा ना आपको मैं मिलने आऊंगा, सब मिलने आएंगे आपसे। एक गल बोला, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि हम लोग इस घर से जा रहे हैं। तो बेटे किस लिए रो रहा है? वो अपनी गली में मोंटी आया ना, उसने मुझे मारा। ये मोंटी कौन है? वो इसी गली में रहता है। अरे ऐसे कैसे मेरे बच्चे को उस मोंटी ने मारा? आप जाइए जाइए, जरा देखिए उसे, डांट लगाइए। हाँ मैं देखता हूँ। अरे एक मिनट, क्या मार पिटाई पे उतर आता है? बात कर सकते हैं ना, शांति से भी बात हो सकती है। अरे पर ऐसे कैसे हाथ लगा उसने ट्विंकल को? मैं आके बात करता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा रुको, कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा, मैं जाके बात करता हूँ, ठीक है? ओ जी राजीव जी, आप क्यों जाओगे? हाँ जी मैं जाऊंगी ना, मैं जाकर देखती हूँ। दलजीत जी, ये आपकी कॉलोनी है क्या? ये मेरी कॉलोनी है, मैं जानता हूँ इनको,
मैं भी देखता हूँ कैसे हाथ लगा लिया हमारे ट्विंकल को उसने। मैडम जी प्लीज चलिए, वैशाली में एक और भाड़ा वेट कर रहा है, लंबी दूरी का है। भाई साहब आप रुकेंगे एक मिनट? जल्दी आइए मैडम। राजीव जी देखिए आप मत जाइए, मैंने कहा ना आपसे लेट मी हैंडल दिस। मैं आप फिर से उल्टी गंगा बहा रही हैं। मैं उल्टी गंगा नहीं बहा रही हूँ, आप जो है ना आप उल्टी बातें कर रहे हो। हाँ जी उल्टी। हाँ उल्टी। नहीं पापा मुझे उल्टी आ रही है। त्रिशु उल्टी कैसे क्यों हो रहा बेटा? क्या खा लिया? अरे मैडम जल्दी चलिए, वैशाली से फोन आया है, मेरा भाड़ा निकल जाएगा, गरीब का नुकसान हो जाएगा। अरे भाई एक मिनट भाई। चलिए ना जल्दी, मुझे उस मॉन्टी से हिसाब बराबर करना है। अरे तू चुप कर रहे, छोरी को उल्टी आ रही है। अरे नहीं बेटे मेरे ऊपर मत करना। अरे राजी जी ये भाड़ी बेटा मुंडी ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते बेटा, अच्छे बच्चे हो ना आप। अरे बेटा वो रो क्यों रहे हो? मैंने डांटा थोड़ा ना आपको, तो प्यार से समझा रहा हूँ। निकल बोला, यहाँ से जितना जल्दी हो निकल लीजिए, ये पिंकी को बुला रहा है। पिंकी पिंकी और शिंकी मैं थोड़ा डरता हूँ किसे, चिंता मत कर मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगा, हमने कुछ गलत थोड़ा ना किया। Are you sure? बेटा 100% श्योर, तू चिंता मत कर मैं हूं ना, डोंट वरी आने दे। Thank you. Pinky? No, Pinky. बैठो त्रिशु, ये पानी पी लो। अब कैसा फील कर रही हो? ठीक। त्रिशु अचानक क्या हो गया? पता नहीं, मतलब कुछ बाहर खा लिया क्या? नहीं घर का ही खाया था, बट फिर भी पेट दर्द होने लगा। अच्छा कोई गल नहीं, तुम टेंशन ना लो, मैं डॉक्टर से अभी बात कर लेती हूँ। नहीं मम्मा मेरा ना मन कच्चा कच्चा हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे वापस उल्टी होगी। ये क्या है? वो एक्चुअली ना मुझे कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है तो इसलिए। पेट दर्द, जी कच्चा होना, इमली कैंडी? नहीं नहीं बाबा जी, जैसा मैं सोच रही हूं वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।